हेलो गाइस, दिस इज पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नेचर मानिया में। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं, मानसून सीजन आ चुका है और अब दिल्ली में भी झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे टाइम पर हमें कुछ चीज़ों का गार्डन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा पानी, सभी चीज़ें जो है हमारे पौधों को नुकसान पहुँचा सकती है। तो मैं कुछ ऐसे पौधों की लिस्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि इस टाइम आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने उन प्लांट्स को खो देंगे जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा प्यारे पौधे होते हैं। तो इस प्लांट की लिस्ट में जो है, जो सबसे पहला प्लांट आता है वो स्पाइडर प्लांट होता है, जिसे कि आपको बारिश में नहीं छोड़ना है। एक दो दिन की बारिश, आप एक दो दिन की ही बारिश सिर्फ इनको दिखा सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा बारिश में इनको छोड़ देंगे तो ये प्लांट्स जो हैं आपके पास हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। बारिश का पानी इनको ज़रूर चाहिए, इसके लिए आप किसी भी बकेट में पानी को स्टोर करके रखिए और उसके बाद जो है आपने उस पानी को उनको दे देना है। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आपको बारिशों में इनको बाहर छोड़ दें और ओवर वाटर की वजह से जो है पौधे आपके ख़राब हो सकते हैं। सेकेंड जो प्लांट है वो है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट को भी आपको बारिश सिर्फ एक दो दिन की ही दिखानी है, वो भी एकदम पहली बारिश नहीं दिखानी, क्योंकि वो पॉल्यूटेड बारिश होती है। तो आपको दूसरी या तीसरी बारिश दिखाकर इनको थोड़ा सा शेडी एरिया में रख देना है। बिल्कुल इंडोर अभी इस टाइम पर प्लांट्स को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर हर प्लांट जो है वो खुले में रहना पसंद करता है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे प्लांट आता है वो एग्लोनिमा का होता है, और एग्लोनिमा की सारी वराइटीज़ ही जो है ज़्यादा पानी को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और जल्दी ही ख़राब होने लग जाती हैं। महंगे होने के साथ साथ इन प्लांट्स को आपको पानी से भी बचाना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, तो हम इन्हें अपने गार्डन से कभी भी खोना नहीं चाहते। तो इसके लिए आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि बारिश का पानी स्टोर करके रखें और फिर उन्हें अंदर ही आप इन प्लांट्स को देते रहें। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट प्लांट आता है वो है विनका का। विनका का जो देसी वाली वैरायटी है उसे आप खुले में छोड़ सकते हैं, उसके बाद भी ये खूब अच्छी खासी फ्लावरिंग देता रहता है। लेकिन इसकी जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है उसको अगर आपने बारिश में छोड़ दिया या फिर आपने इसमें जरा सा भी ज़्यादा पानी आपके प्लांट में हो गया, तो आपका जो वेरीगेटेड वाली विनका की वैरायटी होती है जिसके ढेर सारे कलर्स आते हैं, देसी वालों में तो केवल दो ही कलर्स आते हैं, लेकिन जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है उसमें ढेर सारे कलर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं। लेकिन यही है कि ये थोड़े से सोफिस्टिकेटेड प्लांट होता है और आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है। आप इसे खुली बारिश में नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी करना होता है। तो मैं इसमें हमेशा ही दो तीन दिन के बाद पानी डालती हूँ, जब मिट्टी थोड़ी सूखी सूखी सी लगने लग जाती है। और बारिश में तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इसकी जड़ें गल जाएंगी और प्लांट जो है वो आपके गार्डन से हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ध्यान यही रखना है कि कुछ पौधों को आपको बिल्कुल इंडोर नहीं रखना है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लेकिन आपको इनमें पानी जो है नहीं होने देना है और बारिश के पानी से आपको इन्हें बचाना ही होगा, क्योंकि बारिश की मोटी मोटी बूंदें जब इनके ऊपर पड़ती हैं तो भी ये प्लांट जो है जल्दी ही खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो है ये एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, ये महंगी वाली एग्लोनिमा है। इसमें से अच्छी खासी लीव्स भी निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें जो है बारिश के पानी में नहीं निकाला है बिल्कुल भी, और इन्हें इंडोर ही मैंने रखा हुआ है। तो इसको जो है आप ना बारिश और ना ही बहुत तेज़ धूप आपको इस प्लांट को दिखानी होती है, तो आपको इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। तो आपके महंगे महंगे पौधे भी जो हैं बारिश में और तेज़ गर्मी से नहीं झुलसते और बस आपके प्लांट हमेशा जो है आपके गार्डन में बने रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो है स्नेक प्लांट का, और स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। सभी वैरायटीज़ को आपको बारिश के पानी से बचाना होगा। वैसे तो इसे जो है अगर आप इंडोर भी लगाते हैं तो भी आपको इसमें पानी कम ही डालना पड़ता है। मैं 10-10 दिन के गैप से अपने स्नेक प्लांट को पानी डालती हूँ और स्नेक प्लांट जो है मेरा बहुत ही बढ़िया और हेल्दी रहता है। उसका रीज़न यही है कि मैं इसे कभी भी बाहर नहीं छोड़ती। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांट होता है डाइफन। डाइफन के प्लांट को आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ना है और पानी इसकी पत्तियों पे लगना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ इसकी पत्तियां जो हैं वो पानी में गल के गिर जाएंगी और आपका प्लांट बिल्कुल ही गंजा हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसमें कोई भी शो जो है नहीं रहती है। उसके बाद आ जाता है क्रोटन, और क्रोटन को तो जो है आपको ना तो बहुत ही तेज़ धूप में रखना होता है, ना ही आपको बारिशों में इसे छोड़ना है। लेकिन हाँ, एक दो दिन की बारिश आप इसको भी ज़रूर से दिखाइए, क्योंकि इसमें रौनक आ जाती है। तो देखिए, ये वाला जो प्लांट है मैंने बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रखा था तो थोड़ा सा अजीब हो गया है,
और ये देखिए, ये जो इसकी येलो डॉट वाली जो वैरायटी होती है, ये भी जो है आपको बारिश से आपको इसको बचाना होगा। बहुत ज़्यादा बारिश जो है इसको नहीं लगनी चाहिए। तो मैंने इनको ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर बारिश की बूंदें जो है बौछार की तरह लग जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश जो है इनके ऊपर नहीं पड़ती है। तो आपको जगह ऐसी चुननी होती है इन प्लांट्स के लिए। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही बारिशों का मौसम ख़त्म होगा तो आप इन प्लांट्स को जो है अपनी सही जगह पर रख सकते हैं। तो बारिश में बस इन्हीं चीज़ों का कुछ ध्यान रखना होता है। एक तो आपको बारिश में अपने प्लांट की जो है ऊपर की 2-2 इंच की मिट्टी को हटा देना है, जिससे कि मिट्टी आपके गमले से बहकर ना निकल जाए। ऊपर से अगर आपने ऊपर से इसमें कोई खाद वगैरह डाली हुई है तो खाद भी जो है आपको मिट्टी में मिक्स कर देनी है और 2 इंच तक जो है मिट्टी ऊपर से हटा देनी है। फिर आ जाता है आपका मॉन्स्टेरा का प्लांट, जो कि फुली इंडोर प्लांट होता है, लेकिन आपको इसको भी सिर्फ 1-2 दिन की ही बारिश दिखानी है। उसके बाद आपको इसे भी जो है ऐसे एरिया पे रख देना है जहाँ पर इसे बाहर की जो रौनक वाली इस टाइम पे बारिशों वाला जो सीज़न है उसको ये एंजॉय कर सके। लेकिन बारिश की बौछारें ही पड़नी चाहिए, बारिश डायरेक्ट इसके ऊपर ना पड़े, नहीं तो इसकी पत्तियाँ भी गलकर ख़राब हो सकती हैं। और इसमें अगर ज़्यादा पानी हो गया इसकी मिट्टी में तो भी जो है आपको ये पौधा आपके गार्डन से जा सकता है। आपको जो है ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखना चाहिए अपने प्लांट्स में, क्योंकि अगर गमले में ड्रेनेज होल ठीक नहीं है तो जो प्लांट आप बाहर भी छोड़ सकते हैं वो प्लांट्स भी आपके ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जड़ें तो सभी पौधों की गल सकती हैं। तो बारिशों में जो है आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो आपके गार्डन से कोई भी प्लांट कभी नहीं जाएगा, चाहे सीज़न कोई भी आए, आप जो है अपने प्लांट्स को तो हमेशा हरा भरा रख सकते हैं और गार्डन से आपका प्लांट कहीं जाने वाले नहीं है। ये देखिए, ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट को भी आपको बहुत ज़्यादा बारिशों में, हालांकि ये पेड़ है और आप इसको बाहर छोड़ सकते हैं, लेकिन जो है अगर आपने गमले में इसको लगाया हुआ है तो आपको इसे जो है हफ्ते से ऊपर की बारिश नहीं दिखानी है। आपको इसे थोड़ा सा शेडी एरिया में ही रखना है जहाँ पर बारिश की बौछारें तो ज़रूर पड़नी चाहिए लेकिन डायरेक्ट बारिश इस पर ना लगे। यही हाल मनी प्लांट का भी होता है। अगर मनी प्लांट के प्लांट में भी जो है ड्रेनेज होल आपका ठीक नहीं है तो भी आपका प्लांट जो है मनी प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए, ये जो मेरा प्लांट है ये ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ बारिश की थोड़ी थोड़ी सी बौछारें लग जाती हैं इस पर, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरी बारिश इस पर नहीं लगती है। और ना ही मैंने इसके ड्रेनेज होल को जो है पहले ही चेक कर लिया था, ये बिल्कुल जो है सही तरीके से काम कर रहा है। तो मनी प्लांट की कोई भी, पोथोस की कोई भी वैरायटी हो, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है रेनी सीजन में भी, और बहुत ज़्यादा झुलसती हुई गर्मी में भी ये जो है ख़राब हो सकता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।